नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की बेहतरीन योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान योजना भी है, जो किसानों को सालाना 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बता दें कि अभी तक ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। वहीं हमारे देश में अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो भारत सरकार की स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसका कारण किसानों के द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण किसान का पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किसान का पीएम किसान रजिस्ट्रेशन क्यों रुका हुआ है। ये है पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन रुकने की खास वजह। किसानों के द्वारा दिए गए कागजातों में गलतियां, किसानों के बैंक खाते में सही जानकारी नहीं दर्ज होना, आवेदन से जुड़ी जानकारी का अभाव, किसान की जमीन के दस्तावेजों में कोर्ट विवाद या फिर कमी होना, जमा किए गए कागजातों के सत्यापन प्रक्रिया देरी से होना। अब आपको बताते हैं पीएम किसान ई केवाईसी की प्रक्रिया क्या है। दरअसल अगर किसान ने पीएम किसान की ई केवाईसी नहीं करवाई है तो ऐसी स्थिति में 18वें किस्त का पैसा अटक सकता है। पीएम किसान ई केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले किसान को फोन में पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके माध्यम से किसान अपने घर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑथेंटिकेशन के जरिए ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर किसान के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो अपने नजदीकी किसान सर्विस सेंटर से भी ई केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान ICT@GOV.IN पर ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने परेशानी का हल पा सकते हैं। किसान चाहे तो पीएम किसान AI चैट बॉक्स के जरिए भी योजना की जानकारी व अन्य परेशानी का हल मिनटों में पा सकते हैं। तो ये थी पीएम किसान योजना से संबंधित सभी जानकारी। लेकिन आप भी अगर 18वीं किस्त पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी ई केवाईसी पूरी कर ले। इसी के साथ आपके मन में इससे संबंधित कोई भी और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।